तो हम मेष लगन के लिए शुक्र और चंद्रमा के कंजक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और अब तक हमने फोर्थ हाउस तक डिस्कस किया है। जब भी ये युति आपके फोर्थ हाउस तक किसी भी भाव में बनेगी तो आपको इस युति के कैसे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अब बारी आती है फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस जो कि सूर्य का घर है, और सूर्य के घर में जब भी ये दोनों स्थित होते हैं तो इनका दोनों का परिणाम सम्मिलित रूप से कैसा रहेगा, या इस युति का प्रभाव आपकी लाइफ पर कैसे रहेगा, आप अपनी लाइफ को कैसे प्लान कर सकते हैं धन संबंधी मामलों में या रिलेशनशिप के मामलों में, इस युति के रिजल्ट कैसे रहेंगे। देखिए, फिफ्थ हाउस सबसे पहले तो आपकी एजुकेशन का घर है, संतान का घर है, आपकी जो भी आप इंटरटेनमेंट वगैरह करते हैं उन सब का घर है, और आपकी क्रिएटिविटी का घर है, आपका जो इमेजिनेशन स्किल है, आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसका घर है। तो ये दोनों के दोनों ग्रह बहुत ही ज़्यादा आपको हाईली क्रिएटिव बनाते हैं, आपको डांस में, सिंगिंग में या किसी भी प्रकार के म्यूजिक रिलेटेड जो काम है उनमें बहुत ज़्यादा रुचि रह सकती है। इसके अलावा आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती है, आपकी बहुत सारी फ्रेंडशिप्स रही होंगी। अगर स्त्री की कुंडली में ये कंजक्शन है तो उनकी जो फीमेल फ्रेंड है वो बहुत ही ज़्यादा रही हो सकती हैं, और उनका एक बहुत ही लार्ज ग्रुप हो सकता है। इसी प्रकार से अगर किसी पुरुष के चार्ट में ये कंजक्शन है तो उसके जीवन में हो सकता है कि बहुत सारी स्त्रियों के साथ उनकी फ्रेंडशिप हुई होगी, और उनको उनके जीवन में स्त्रियों से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला होगा। ये कंजक्शन की वजह से अक्सर लेकिन जातक अपने जीवन साथी से थोड़ा सा असंतुष्ट जरूर ही महसूस करेगा। यहाँ आपको ये देखना पड़ेगा कि शुक्र क्या केतु के नक्षत्र में तो नहीं है। अगर शुक्र केतु के नक्षत्र में है तो जातक अपने जीवन साथी से बहुत ही हाईली अटैच्ड हो जाता है, और वो कभी भी अपने जीवन साथी के बिना नहीं रह सकता। इसी प्रकार से आपकी लाइफ में कोई भी अगर लव अफेयर भी आएगा तो लव अफेयर में सामने वाले के साथ आप बहुत ज़्यादा हाईली अटैच्ड रहेंगे, और कहीं ना कहीं आपको प्यार की कमी महसूस होगी, या एक जो प्रोटेक्शन है या एक जो केयर है उसकी कमी महसूस होगी। ये कंजक्शन नॉर्मली आप पुरुषों की लाइफ में अगर देखें तो थोड़ा सा मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं कभी कभी, या आपको मैरिज के सिवाय अपने पार्टनर के सिवाय किसी और के साथ भी फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप देखने को मिल सकते हैं। बट पर्सनली आपके लिए, आपकी क्षमताओं के लिए, आपकी क्रिएटिविटी के लिए, आपके स्किल्स के लिए ये कंजक्शन काफ़ी अच्छा साबित होगा। ये कंजक्शन की वजह से आप कोई भी अच्छे क्रिएटिव वर्क को करके बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। आप मेनली अपनी स्किल्स की वजह से ज़्यादा फेमस होंगे। आप ऐसा ही कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई हस्तकला से संबंधित काम भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जब भी स्टडी वगैरह करेंगे तो अपनी क्रिएटिविटी भी उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर सकेंगे। आपको कोई भी ड्राइंग, पेंटिंग वगैरह करना, चित्रकारी वगैरह, ये सब बहुत ज़्यादा पसंद रहेगा। अब यहाँ पे शुक्र आपके दूसरे भाव और सातवें भाव के स्वामी होते हैं। इस केस में कभी कभी इस बात की संभावना भी बनती है कि आप अपना जीवन साथी खुद चुनेंगे, या वो आपके नेटवर्क सर्कल में से ही हो सकता है, या वो आपकी चॉइस हो सकता है, आपको कोई पसंद हो सकता है। ज़्यादातर ये केस में पुरुषों के चार्ट में ज़्यादा अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी अगर आप अपने खुद के द्वारा मैरिज करना चाहते हैं, किसी को चुनना चाहते हैं मैरिज के लिए। तब हालांकि स्त्रियों के चार्ट में ये कंजक्शन उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव बनाएगा, लेकिन जो पुरुषों के चार्ट में जो बात लागू हो रही है वो सारी बातें स्त्रियों के चार्ट के लिए लागू नहीं होंगी। यहाँ पे अब अगर पुरुषों के चार्ट में ये कंजक्शन है तो ज़्यादातर पुरुष अपनी लाइफ में कुछ हद तक वो इन्जॉय करना ज़्यादा पसंद करेंगे। हर रिलेशन को, लगभग फ्रेंडशिप को भी, जीवन साथी के साथ भी वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे, और वो किसी भी रिश्ते में संतुष्ट नहीं रह सकते कभी भी। इसके साथ साथ ऐसे जातक अपनी संतान को बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले होते हैं, अपनी संतान से बहुत ही हाईली अटैच्ड होते हैं, और ऐसे जातकों की संतान भी बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होने के चांसेस हैं। संतान की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, संतान की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। अब बात आती है धन की, क्योंकि शुक्र दूसरे भाव को दर्शाते हैं। दूसरे भाव को दर्शाने की वजह से ऐसे जातकों के पास बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ हो सकते हैं धन कमाने को लेकर। तो ऐसे जातक मल्टीपल काम भी कर सकते हैं धन कमाने के लिए, या मल्टीपल इनकम सोर्स अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे जातक कुछ हद तक शेयर मार्केट वगैरह से भी बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। अब यहाँ शुक्र सातवें भाव के स्वामी हैं। सातवें भाव के स्वामी होने की वजह से आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कोई बिजनेस कर सकते हैं। आप कोई भी इस प्रकार का खान पान से जुड़ा हुआ बिजनेस कर सकते हैं, होटल वगैरह का काम कर सकते हैं, या कोई मिठाई से रिलेटेड काम कर सकते हैं, ग्रोसरी से रिलेटेड काम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको आप कर सकते हैं, या आप जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनका, उनसे जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने आते हैं, आप इन फील्ड से संबंधित कोई भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। ये कंजक्शन की वजह से अक्सर आपका जो डिसीज़न लेने का जो तरीका होगा, और जो आपका काम करने का तरीका होगा,
उस पर आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो तो हावी रहेगी ही रहेगी, आपकी स्किल्स उस पर ज़्यादा हावी रहेंगी। तो हर प्रकार के काम को, किसी भी काम को आप बहुत ही अलग तरीके से करने, बहुत ही यूनिक तरीके से करने के बारे में सोचेंगे, तो ये एक अलग प्रकार की छाप छोड़ेगा आपके दूसरे व्यक्ति पर। अब चंद्रमा आपके फोर्थ लॉर्ड है, फोर्थ लॉर्ड होने की वजह से देखिए चंद्रमा है वो इमोशंस को दर्शाते हैं, तो आप अपनी हर चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा केयरफुल रहेंगे, अपनी छोटी से छोटी चीज़, अपनी कोई भी लग्जरी वस्तु, कोई भी घर की ऐसी वस्तु जो आपको मैक्सिमम सुख या संतुष्टि प्रोवाइड करती है, इन दोनों का दृष्टि आपके 11वें भाव पे रहेगा। 11वें भाव पे दृष्टि रहने से आपको धन लाभ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप धनी हो सकेंगे, लेकिन आपको अपनी क्षमताओं की वजह से या अपनी स्किल्स की वजह से नेम फेम मिलने की संभावना ज़्यादा रहेगी। आपको ज़्यादातर ऐसे ही लोग पसंद आएंगे जो जीवन को एक बहुत ही ज़्यादा हंस के और उसी प्रकार से इंटरटेन करते हुए जीते हैं। ज़्यादातर जो सीरियस लोग होंगे वो आपको उतना पसंद नहीं आएंगे, तो आपका नेटवर्क भी कुछ इसी प्रकार का होगा। हालांकि फिर भी आपके 11वें भाव में शनि का राशि जरूर है, अगर शनि का प्रभाव इन दोनों ग्रहों पर पड़ता है तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको ये मेंटली ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाएगा, ज़्यादा क्रिएटिव बनाने के बजाय आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करने के लिए प्रेरित करेगा। तो यहाँ पे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कंडीशन ये बन रही है दोनों ही ग्रहों की। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा शुक्र क्या अस्त तो नहीं है, क्या शुक्र वक्री तो नहीं है, यहाँ चंद्रमा क्या अस्त है। अगर चंद्रमा अस्त हो जाते हैं तो उस केस में आपकी क्रिएटिविटी और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं और आप मेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। किसी भी डिसीजन को लेते समय आप बहुत ज़्यादा नहीं सोचेंगे, ओवर थिंक नहीं करेंगे और एक प्रॉपर डिसीजन ले सकेंगे। लेकिन अगर शुक्र अस्त हो जाते हैं उस केस में जीवन साथी के साथ बेहद असंतुष्टि और रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन शुक्र का अस्त होना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र के अस्त होने की वजह से आप अपने स्किल्स की वजह से बहुत ज़्यादा चमकेंगे, अपने स्किल्स की वजह से आप रोशन होंगे और आपको कहीं ना कहीं जो धन और लग्जरी की जो मात्रा है वो आपके जीवन में बढ़ते हुए देखने को जरूर मिलेगी। और शुक्र के अस्त होने के केस में आप एक बहुत ही लग्जरी लाइफ जिएंगे, बहुत ही ऐसो आराम के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट हो सकते हैं ये कंजक्शन की वजह से, जिनसे आप अपनी लाइफ में किसी भी प्रकार का फ़ायदा उठा सकते हैं और स्पेशली धन से संबंधित लाभ उठा सकते हैं।